हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का विवेकानंद एग्रीकल्चर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग एग्रीकल्चर से पास हैं और ICAR का पेपर दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट्स किए थे, सर एग्रीकल्चर का पेपर अपलोड ज़रूर कीजिएगा, मॉडल पेपर, जिससे पता चलेगा पेपर कैसे आता है ICAR में। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन उन सभी के लिए लाए हैं, वीडियो को पूरा देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकते हैं। रिपीट अगर नहीं होगा तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, वहाँ भी 50 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें उन लोगों तक जो लोग एग्रीकल्चर से हैं। तो आइए हम लोग पेपर की शुरुआत करते हैं। कुछ अगर डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे हैं, धान की प्रथम सुपर राइस की प्रजाति क्या है? तो इसका आंसर होगा लूनी, और इसकी हम PDF बना के भी नीचे आप अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है, न्यू शेखर किस फसल की प्रजाति है? तो ये जो प्रजाति है न्यू शेखर, ये किसकी आपकी है? गेहूं की, आंसर होगा आपका थर्ड, ठीक। गन्ने में पहला ब्लाइट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आंसर होगा मैग्नीज। इसके बाद होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, सिलिकॉन किस फसल के लिए आवश्यक है? तो आंसर होगा इसमें धान, गन्ना, मक्का, सभी के लिए, ठीक। बाजरा में अर्गट रोग का कारक क्या है? तो बाजरा में जो अर्गट डिसीज होती है उसका कारक होता है फंगस यानी कवक, तो आंसर होगा इसमें दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठवा क्वेश्चन नंबर जो है, न्यून में अवरोधी प्रजाति है, ठीक है। तो अवरोधी जो प्रजाति होती है कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर होगा चना, ठीक है। आंसर क्या होगा इसमें? चना सही हो जाएगा, यानी ए सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सबसे अधिक तेल किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का सोयाबीन, यानी सेकंड आंसर। दालों की रानी क्या है? मटर, ठीक। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के भंडारण है तो नमी प्रतिशत कितनी होती है? तो 8 से 10%। सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है? 10 किलोग्राम, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर है, वायुमंडल में आर्गन कितनी होती है? तो 1.2%, लेकिन याद रखिए कि किसके अनुसार है? भार के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12 क्वेश्चन नंबर, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है 26%। नोबल कैन किसे कहते हैं? तो शक्कर एवं ऑफिस नरम गन्ना कहते हैं। ट्रेसिंग संबंधित है गन्ने से, ठीक। बेसिक सिलेक का प्रयोग किस मृदा को सुधारने में करते हैं? तो आंसर होगा इसका अम्लीय। सफ़ेद सोना किसे बोलते हैं? कपास को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन नंबर है इसमें, जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? तो 180 किलोग्राम। कपास में डी लिंटिंग किस रसायन से करते हैं? तो इसका आंसर होगा H2SO4। गीतांजलि प्रजाति किसकी है? तो गीतांजलि जो प्रजाति होती है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 18 हो गया, 19 क्वेश्चन नंबर जो है, गीतांजलि प्रजाति किसकी होती है? जौ की, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 20, रेशे के लिए सनई की बीज दर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25 ग्राम, यानी दूसरा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21, ढैंचा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो कितना करता है? 74 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22, इसमें कह रहा है सरसों में नाइट्रोजन किस उर्वरक से देना चाहिए? तो अमोनियम सल्फेट। इसके बाद तंबाकू में कितने दिन पुरानी नर्सरी का प्रयोग करते हैं? तो 40 से 45 दिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24, एपेटाइट मुख्य स्रोत है फास्फोरस का, तिल में परागण होता है स्वपरागण, भारत में ड्रिप सिंचाई किस देश से आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ BHU में, इसका आंसर होगा आपका सेकंड, इजराइल। बुवाई की फर्व विधि किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका गेहूं। इसके बाद आता है टोंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो मृदा नमी से, ठीक है, आंसर होगा ए। अलसी में तेल की मात्रा होती है 36%, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30, फाल्गुना प्रजाति किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा धान की, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद धान में सफ़ेद आँख रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 31, तो 31 का आंसर हो जाएगा आयरन, दूसरा सही, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 32,
खरपतवार विज्ञान के पिता, तो आंसर होगा इसका ए जेथ्रो टुल। 33 फसल सतह का एल्बिडो का एल्बिडो नाम होता है, ठीक है, तो इसका 33 का सो आंसर हो जाएगा आपका 25 से 30%। कितना मान होता है 25 से 30%, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, 34 सी 235 पूसा 209 सी 104 किस फसल की प्रजातियां हैं, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 34। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका चना, चना की होती है वैरायटी ये। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुक्ता शारदा बसंत पारस प्रजाति किसकी होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 35 का आंसर अरहर की होती है, ठीक अरहर। डॉक्टर पुष्कर नाथ किस फसल संबंधित हैं, तो आलू। इसके बाद आता है परसेंटेज P2O5, इसमें आपका आंसर है सेकंड सही। तंबाकू की प्रथम संकर प्रजाति क्या है, तो GTH1। इसके बाद आता है आई मेरेटा सिलेंड्रिका किस फसल से संबंधित है, तो आएगी आपका चाय सही, ठीक। इसके बाद है ट्रिटिकेल का क्रॉस है, तो होता है गेहूं क्रॉस राई, ये आंसर सही। इसके बाद आता है आपका जो है ठीक है, तो अब आपका आंसर होता है 40 का हो गया इसका नंबर वन। 41 से 41 सीडो सेरल्स के नाम से जाना जाता है, तो पहला आंसर होगा बकलोनियट। गैसोहोल का मिश्रण, ये केमिस्ट्री का भी है खैर, ये खैर आंसर इसका थर्ड होगा। 80% पेट्रोल होता है, 20% अल्कोहल। 43 क्वेश्चन, अतसाली गन्ने की बुवाई करते हैं, तो इसका 43 जो आंसर हो जाएगा आपका, अतसाली गन्ने की बुवाई कब करते हैं, जून और जुलाई में। इसके बाद जूट में रेटिंग का उचित तापमान जो होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 34 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कपास में टपिंग का उचित समय होता है, कपास में 45 45 क्वेश्चन नंबर, तो 80-90, ठीक है, यानी से थर्ड सही। इसके बाद आता है फ्लोपिंग किससे संबंधित है, तो फ्लोपिंग है तंबाकू संबंधित, ठीक। अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 5.6। जल उपयोग क्षमता की इकाई होती है, क्वेश्चन नंबर 48 इसका हो जाएगा सेकंड सही। बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रस स्थिरीकरण करता है 49, इसका आंसर होगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो इसका 49 आंसर होगा आपका सही थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है 50, परागण के विकास के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है, तो इसका आंसर आया बोरान, यानी थर्ड सेकंड सही। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर ले आएंगे, तो हमें कमेंट जरूर करें किसी के क्वेश्चन में डाउट हो, सेम ऐसे ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।